बिजनौर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जहां प्रदेश सरकार ने खनन पर रोक लगा रखी है, जनपद में साल भर से ज्यादा समय से खनन पर रोक लगी हुई है। इस रोक को लेकर जनपद के आसपास के राज्यों से खनन का सामान बड़े ट्रकों से जनपद बिजनौर में लगातार आ रहा है। हरियाणा और उत्तराखंड से लगातार खनन कर रेत और बजरी को जनपद में लाकर स्टॉक किस्ट को माल बेचा जा रहा है। खनन को लेकर पड़ोसी राज्यों से ट्रकों में आने वाला खनन ट्रकों में ज्यादा भेजकर बड़ा मुनाफा कमाने का खुला कारोबार चल रहा है। तहसीलदार नजीबाबाद एसडीएम द्वारा इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बिजनौर जनपद के मंडावली क्षेत्र में उत्तराखंड से लाए जा रहे अवैध खनन के ट्रकों को पकड़कर चालान किया गया। साथ ही ओवरलोडिंग व टैक्स की कार्यवाही भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। मंडावली क्षेत्र से सूचना सुबह से आ रही थी कि हरिद्वार से हमारे उत्तराखंड से यूपी की सीमा में कुछ ट्रक आज प्रवेश करने वाले हैं, जिनमें अवैध खनन का माल लोड है और बड़ा खतरनाक तरीके से उनमें ओवरलोडिंग भी है। उस सूचना पर हमने और तहसीलदार साहब ने प्राइवेट गाड़ी से वहाँ का भ्रमण किया और वो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा में ही 11 ट्रक एक साथ पकड़े गए। उनके सीजर की कार्रवाई की जा रही है और इनको अवैध खनन और ओवरलोडिंग के साथ साथ सेल्टेक्स में भी इनका भेजा जा रहा है। जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी उन पर की जा रही है। सर कितनी गाड़ी थी हैं? ये गाड़ियां वहां पे हमें करीब 15 गाड़ियां मिली हैं, जिनमें से काफ़ी सारे गाड़ियों में से ड्राइवर मौके से भाग गए थे, तो उनको दूसरे ड्राइवरों से हमने 7 तो मैं खड़ी करवा के आया था चौकी।